जय माता दी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल शक्तिपीठ दर्शन पर लेके जाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 शक्तिपीठ हैं, माता नैना देवी जी, माता चिंतपूर्णी देवी जी, माता ज्वाला देवी जी, माता ब्रजेश्वरी देवी जी एवं माता चमुंडा देवी जी। यह शक्तिपीठ हिमाचल के अलग अलग जिलों में स्थित है। अगर आप हिमाचल के शक्तिपीठ दर्शन एक बार में करना चाहो तो आप 2 से 3 दिन में ये ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। माता नैना देवी जी का मंदिर आपको बाकी 4 शक्तिपीठों से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा और बाकी के 4 शक्तिपीठ के बीच आपको हर जगह के लिए 20 से 30 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। आप माता नैना देवी जी का मंदिर सबसे पहले या सबसे बाद में कवर करने का प्लान बनाएं। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे देवी चिंतपूर्णी जी के दर्शन के साथ। जब भगवान शंकर माता सती का देह लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, उस समय ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगी, जिस पर विष्णु भगवान ने इसे रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के टुकड़े कर दिए। माता के शरीर के अंग और आभूषण 51 टुकड़ों में धरती के विभिन्न स्थानों पर गिरे एवं आज यह स्थान पूज्य और शक्तिपीठ कहलाते हैं। जय माता दी दोस्तों, देवभूमि हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दर्शन करवाने लेके आ गया हूँ माँ चिंतपूर्णी जी के। देख सकते हैं इस टाइम हम मार्केट में हैं। आप सभी को पता होगा देवी चिंतपूर्णी जी का मंदिर ऊना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। तो इसी बीच हम आपको आज दर्शन करवाएंगे देवी चिंतपूर्णी जी के और आपको देंगे सारी जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। तो जी, दर्शन करने जाने के लिए मेन गेट यही है। तो जी, 1 नंबर गेट से हमने कर लिया एंट्री। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं और इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है सुनाल जी ने। जय माता दी। जय माता दी। सैटरडे और संडे को यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, देख सकते हैं जी। भक्तजन बढ़ रहे हैं आगे आगे और आपको बता दें दर्शन करने के लिए दर्शन पर्ची लेना अनिवार्य है। हिमाचल के ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी जी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती के पवित्र पांव गिरे थे। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में देवी चिंतपूर्णी जी का 5वां दर्शन होता है। चिंतपूर्णी जाने के लिए होशियारपुर, चंडीगढ़, जालंधर, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला और बहुत से अन्य स्थानों से सीधे बसें यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं, चैत्र मास, श्रावण मास और अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रहती है। चिंतपूर्णी में बहुत सी धर्मशालाएं हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माई दास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माई दास जी का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था और वे घर के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे, इसलिए उनके भाइयों ने माई दास जी को परिवार से अलग कर दिया। एक दिन माई दास जी अपने ससुराल जा रहे थे, रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। वहाँ घना जंगल था, थकावट के कारण माई दास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि हे माई दास, इस वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी है, उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माई दास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापिस आते समय उसी स्थान पर माई दास जी के कदम फिर से रुक गए, उन्हें आगे कुछ न दिखाई दिया। वह फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गे माँ, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चीरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो, यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूँगी। माई दास जी ने कहा कि मैं यहाँ रहकर कैसे आपकी आराधना करूँगा, यहाँ पर घने जंगल में ना तो पीने योग्य पानी है और ना ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा।
इसी जल से तुम मेरी पूजा करोगे। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी जी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में ही रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहाँ आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान चार महारुद्र के मध्य स्थित है। एक ओर कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव और चौथी ओर मुचकुंद महादेव विराजमान है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनकी दो शिष्य जया और विजया ने देवी से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की। यह सुनकर देवी ने अपना मस्तिष्क छिन्न कर लिया, इसीलिए देवी का नाम छिन्नमस्तिका भी पड़ गया। तो जी दर्शन करके आ गए हम, बहुत बढ़िया दर्शन रहे, काफी तसल्ली मिल गई है हमें। तकरीबन एक से डेढ़ घंटा लग गया दर्शन करने में, बट आफ्टर दैट जो दर्शन मिले ना हमें, दर्शन करके तसल्ली हो गई। और अभी हम लाइन में लग गया क्योंकि हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। ये आप लाइन देख रहे होंगे, जो देवी माँ को भोग लगता है उसका प्रसाद बांटा जाता है श्रद्धालुओं में। तो बस हम भी लाइन में लगे हैं प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद भी हमने खा लिया है और जैसा कि आप सभी को पता होगा चिंतपूर्णी ही वो जगह है जहाँ पे माता सती के चरण गिरे थे जब माता रानी जी के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया गया था। और आज के समय में लाखों श्रद्धालु देवी माँ जी के दर्शन करने आते हैं चिंतपूर्णी में। दोबारा से बताना चाहता हूँ, चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अगर आप दर्शन करने आना चाहते हो तो देवी माँ के दर्शन सातों दिन ओपन रहते हैं, हफ्ते में आप कभी भी आ सकते हैं। तो वीकेंड्स पे आपको नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि वीकेंड पे भक्तजन काफ़ी संख्या में देवी माँ के दर्शन करने आते हैं। माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन के पश्चात अब हम प्रस्थान करने वाले हैं नैना देवी जी के दर्शन करने के लिए। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में नैना देवी का छठवां दर्शन होता है। नैना देवी हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तो गाइस यह पर्ची स्क्रीनिंग सेंटर से आपको मिलेगी और ये दिखा के ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। देख लिए मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी दर्शन पर्ची। मंदिर तक जाने के लिए उड़न खटोला, पालकी आदि की भी व्यवस्था है। यह समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। मंदिर में पीपल का पेड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र है जो कि अनेकों शताब्दी पुराना है। शेर माता का वाहन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां हैं, दाईं तरफ माता काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है। पास में ही पवित्र जल का तालाब है जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप में ही एक गुफा है जिसे नैना देवी जी की गुफा के नाम से जाना जाता है। छोटे बच्चों को गुफा के अंदर लेकर जाना मना है और यह है गुफा। जय माता दी पंडित जी। जय माता, ये जो त्रिशूल दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ जी, नैना जी माता आती है नैना देवी माता से मिलने के लिए। साल में 2-3 बार दर्शन होते हैं, मतलब नाखून के ऊपर आ जाती है जी, फूल के ऊपर और जो बर्फी बेसन होता है उसके प्रसाद के ऊपर भी आ जाते हैं। अच्छा, साक्षात दर्शन होते हैं। साक्षात दर्शन होते हैं। ये जो हवन कुंड है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1.25 लाख मनोती का 1.25 साल तक यहाँ तपस्या की थी और यहाँ से साक्षात दर्शन किए थे उन्होंने। इसकी जो गहराई है वो 0.5 फीट है सारी टोटल। अच्छा, और जितना मर्जी हवन कर लो बीच में समा जाता है, कभी खाली नहीं करते हैं इसको। कभी खाली नहीं करते, मतलब जो भभूति लगाते हैं माथे पर लगाते हैं और थोड़ी बहुत घर के लिए देते हैं, ये बीच में समा जाती है, निकाला नहीं, कभी खाली नहीं किया हुआ आज तक, कभी नहीं खाली नहीं किया। कभी नहीं किया। नैना देवी जी के दर्शन करने के पश्चात अब हम प्रस्थान करेंगे ज्वाला देवी जी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी दोस्तों, ज्वाला जी के दरबार में आप सभी का स्वागत है। तो जी जब आप ज्वाला जी आते हो एंट्रेंस पे आपको 4-व्हीलर और 2-व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग में अपना व्हीकल पार्क करके आप आगे मार्केट से चल के जाते हैं। आगे जाके आपको थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको स्टेयर्स मिलेंगी और फिर आप आगे जाके दर्शन कर सकते हैं माता रानी जी के। तो जी ये देखिए मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं ज्वाला जी के और इधर है सारी मार्केट। बोलो ज्वाला भैया की जय।
शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी। जय हो, जय माता दी। तो जी देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है, ये देखिए ये सारी लाइन ही है दर्शन करने के लिए। हमें लगा था कि ज्वाला जी में कम भीड़ मिलने वाली है, बट ज्वाला जी में भी काफी लंबी लाइन ऑलरेडी लगी हुई है दर्शनों के लिए। ज्वाला जी हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर माता सती की महाजीभा भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योति रूपों में होते हैं, जिनका नाम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन माँ ज्वाला देवी जी का ही होता है। माता सती की जीभ ज्वाला जी में गिरी थी और देवी छोटी लपटों के रूप में ही प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने देखा कि अमूक पर्वत से ज्वाला निकल रही है और उसके बारे में राजा भूमिचंद को बताया गया। राजा को इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र में माता सती की जीभ गिरी थी। राजा ने वहां भगवती माता का मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर में माता रानी जी के दर्शन दिव्य ज्योत के रूप में होते हैं। अकबर ने एक बार माता रानी के परम भक्त ध्यानु की आस्था की परीक्षा लेनी चाही और फल स्वरूप माता रानी का चमत्कार देखकर अकबर चौंक गया। अकबर ने एक बार आग की लपटों को एक लोहे की चादर से ढकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उन्हें पानी में भी बुझाना चाहा, लेकिन ज्वाला की लपटों ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। तब अकबर ने तीर्थ स्थल पर एक स्वर्ण छत्र भेंट किया और क्षमा याचना की। हालांकि सोने का चढ़ाया गया छत्र माता रानी ने नहीं स्वीकारा और उसी समय छत्र नीचे गिर गया और किसी अलग धातु में परिवर्तित हो गया, जो आज भी अज्ञात है। इस घटना के बाद देवी में अकबर का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। आध्यात्मिक शांति के लिए हजारों तीर्थयात्री साल भर इस तीर्थ की यात्रा पर आते हैं। मुख्य मंदिर के साथ ही है गोरखनाथ टिब्बी। कहते हैं कि गोरखनाथ नाम का माँ का एक अनन्य भक्त था। एक बार उन्हें भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। माँ आग जलाकर पानी गर्म करके अपने भक्त गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर वे आज तक लौटकर नहीं आए। गोरखनाथ की प्रतीक्षा में माँ आज भी ज्वाला जलाकर बैठी है। कहते हैं कि जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौटकर माँ के पास वापिस आएंगे। इस स्थान पर एक जल का कुंड है, जिसका पानी देखने पर तो उबलता हुआ लगता है, पर छूने पर एकदम ठंडा होता है। आसपास बहुत सारे मंदिर परिसर हैं, हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया है। हम यहीं पे सारे मंदिर परिसर में दर्शन कर रहे हैं। ज्वाला जी के मंदिर के ऊपर 2 किलोमीटर की शायद चढ़ाई है, ट्रैक करके जाना पड़ेगा। ऊपर है टेढ़ा मंदिर, उसे देखने जाएंगे और वहाँ जाके करेंगे दर्शन। जब भोले शंकर माता सती जी का देह लेके ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तब विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती देवी जी का देह जो था उसे 51 भागों में विभाजित कर दिया था और ज्वाला जी में आकर देवी सती जी की जीभ गिरी थी और यहाँ पे माता रानी जी के अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं। और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं टेढ़ा मंदिर जाने के लिए। टेढ़ा मंदिर जो है उसे पांडवों ने बनवाया था। माता ज्वाला जी के मंदिर से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके आप टेढ़ा मंदिर भी देखने जा सकते हैं। टेढ़ा मंदिर घने जंगल में स्थित है। अगर आप सक्षम है तो आप इस रास्ते को तकरीबन 2 से 3 घंटे में चलकर आराम से पार कर सकते हैं, पर शाम काफी होने के कारण हमने इस पर सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। और इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। जय माता दी, ज्वाला जी की जय, ज्वाला महामाई की जय। तो जी वेरी गुड इवनिंग। वैसे तो टेढ़ा मंदिर आने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं, जो ट्रैक करके जाते हैं, बट हमें किसी ने बताया था कि आप अपना व्हीकल भी लेके जा सकते हैं क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हैं हमने अपना व्हीकल ऊपर पहाड़ों में लगा दिया और यहाँ से नीचे हमें तकरीबन 200 मीटर चल के जाना पड़ेगा और फिर आ जाएगा टेढ़ा मंदिर। थोड़ा सा रास्ता तो रिस्की है, बट अब यहाँ तक आ गए हैं तो वापस मुड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है, तो हम दोनों बस चलते जा रहे हैं। वो सामने बोर्ड लगा है, लोग अपनी बाइक्स वगैरह एक्टिवा देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगी हुई है, बट थोड़ा रास्ता इतना पथरीला है कि अपनी बाइक को डैमेज हो सकती है यहाँ तक लेके आने में। तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्राचीन श्री रघुनाथ टेढ़ा मंदिर, दूरी 30 मीटर। चलते हैं जी,
एक्चुअली ट्रैक करने में भी हमें कोई इशू नहीं था, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बताया गया था हमें, तो वो भी कर सकते थे। बट ये है कि हमें आगे कांगड़ा निकलना है, तो आज का स्टे हम कांगड़ा में करेंगे। तो वही है कि अभी ऑलरेडी 5:30 हो गए हैं इवनिंग में, हमें कांगड़ा पहुँचते पहुँचते कम से कम 7 या 8 बज जाएंगे। एंड रात में ड्राइविंग करना पहाड़ों में आप सभी को पता ही है रिस्की काम होता है। तो अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको सीधा दृश्य दिखाते हैं टेढ़ा मंदिर का। टेढ़ा मंदिर श्री राम दरबार, जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी, जय सीता मैया, जय हनुमान जी। मंदिर की आकृति देख सकते हैं टेढ़ी हुई पड़ी है। माता सीता प्राचीन गुफा, बैठ के जाना पड़ेगा यहां से। जय माता दी, जय हो। ये है जी गुफा, सीता माता की प्राचीन गुफा, देख सकते हैं इतना सा संकरा रास्ता है जहाँ से आपको आना पड़ेगा। काफी महत्वता है इस मंदिर की, पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो जी ये देख सकते हैं, ये है टेढ़ा मंदिर। पहले इसे रघुनाथ मंदिर के नाम से ही जाना जाता था, बट 1905 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण ये मंदिर भी टेढ़ा हो गया था। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, आप इस साइड में झुका हुआ है हल्का सा, और तब से इसको प्राचीन रघुनाथ टेढ़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पांडवों ने माता सीता, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ स्थापित की थी और उनकी पूजा अर्चना की थी। और आपको बता दूँ, जैसे हम बाय रोड आए हैं तो इस गेट से निकले हैं हम, बट अगर आप ट्रैक करके आते हो, जो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आप इस साइड से निकलते हैं, मतलब आपकी एंट्री इस गेट से होगी। अगर आप ट्रैक करके आते हैं ना, तो ये देख सकते हैं ये प्रॉपर घना जंगल है जिसको क्रॉस करके आपको आना पड़ेगा, और इधर से आपकी एंट्री होगी। हल्का सा आगे जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, अच्छा हुआ कि हम इधर से ट्रैक करके नहीं आए, क्योंकि इस समय ट्रैक करना, वो भी इस जंगल से, हल्का सा रिस्की काम है। देख सकते हैं आपको कि इधर से जाके किधर किधर से होके हमें आना पड़ता, तो अच्छा डिसीज़न लिया, फाइनली बढ़िया डिसीज़न लिया। और अब हम यहाँ से निकलेंगे कांगड़ा की तरफ, थोड़ी देर आराम करते हैं यहाँ पर बैठकर, और फिर हमें वापस पहले ज्वाला जी के पास ही जाना पड़ेगा, उधर से कांगड़ा का रास्ता अलग से कट जाएगा। ज्वाला जी में दर्शन करने के बाद अब समय था कांगड़ा माई के दर्शन करने का, जिन्हें ब्रजेश्वरी देवी के नाम से भी माना व जाना जाता है। जय माता दी। दोस्तों इस टाइम हम घूम रहे हैं कांगड़ा जी की गलियों में, और मॉर्निंग में हम दर्शन करने जा रहे हैं कांगड़ा जी के। मार्केट में इस टाइम आप हलचल देख सकते हैं, पूरी मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है, मॉर्निंग के 7:30 हो गए हैं। कल नाइट में हम देर रात पहुंच गए थे कांगड़ा जी, तो रात में आके हमने सबसे पहले रूम लिया, रात में कांगड़ा जी स्टे किया हमने, और अभी दर्शन करने जा रहे हैं माता रानी जी के। आते आते हमें थोड़ी सी देरी हो गई, हमने वैसे प्लान बनाया था कि 6:30 या 7 बजे तक दर्शन करके वापस आ जाएंगे, बट हम रूम से ही 7:30 बजे निकले हैं, तो देख सकते हैं ऑलरेडी लाइंस लग गई हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बट कोई बात नहीं, हम भी लगते हैं लाइन में। सुनाल जी जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों श्री ब्रजेश्वरी माता मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के शहर कांगड़ा में स्थित है और ब्रजेश्वरी देवी को समर्पित है। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नगरकोट की देवी व कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। मंदिर के सुनहरे कलश के दर्शन दूर से ही किए जा सकते हैं। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में कांगड़ा देवी का 3रा दर्शन होता है। इस स्थान पर माता सती का बायां वक्ष स्थल गिरा था, जिसे मां ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माई के नाम से पूजा जाता है। कहा जाता है कि मूल मंदिर महाभारत के समय पौराणिक पांडवों द्वारा बनवाया गया था।
एक दिन पांडवों ने देवी दुर्गा को अपने सपने में देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह नगरकोट गांव में स्थित है और यदि वो खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र में देवी के लिए मंदिर बनाना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। उसी रात उन्होंने नगरकोट गांव में देवी के लिए एक शानदार मंदिर बनवाया। 1905 में मंदिर को एक शक्तिशाली भूकंप ने नष्ट कर दिया था और बाद में सरकार द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के समीप है तारा देवी जी का मंदिर, जो कि 1905 के शक्तिशाली भूकंप को भी झेल गया था। मां ब्रजेश्वरी जी के दर्शन करने के पश्चात आप श्री लाल भैरव जी के दर्शन अवश्य करें। श्री लाल भैरव जी की मूर्ति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। जब भी इस क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना घटित होनी होती है तो इनकी आंखों से आंसू और मूर्ति से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। मंदिर परिसर के अंदर आपको भगवान शंकर जी के दर्शन होंगे, राम परिवार के दर्शन होंगे और मंदिर के साथ में ही बना हुआ है अग्निकुंड, जहाँ पर यज्ञ और पूजा अर्चना चलती रहती है। जय माता दी। दोस्तों, देवी माँ ने बहुत ही पावन दर्शन दिए, हम तो फूले नहीं समा रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने के बाद। आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि देवी माँ को यहाँ पे कांगड़ा माई या ब्रिजेश्वरी देवी जी के नाम से माना व जाना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में अपना समर्पण कर दिया था, उसके बाद जब विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया गया था, तो 51 हिस्सों में से इस जगह पर देवी सती का बायां वक्ष आके गिरा था। अगर बायां वक्ष की बात करें तो छाती का हिस्सा होता है, वो यहाँ पर आके गिरा था और तभी से उसे पिंडी रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। और बताया जाता है कि 1905 में जब कांगड़ा जिले में बहुत ही भयंकर भूचाल आया था तो उस समय इस मंदिर को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा था, बट यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा जो कि तारा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर को बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? बहुत अच्छा रहा। दर्शन दिए माता रानी ने हमें, मतलब हर एक जगह पे जाके चाहे एक आधा घंटा लग जा रहा है तो वैसा कुछ नहीं है, बट दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, दर्शन दिए तो ऐसा बहुत मजा आ रहा है। दर्शन करके मॉर्निंग में दर्शन दे दिए देवी माँ ने तो काफी बढ़िया लगा हमें दर्शन करके। और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। और आप देख सकते हैं यह मंदिर परिसर जिसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, और अभी भी अगर बात करें तो निर्माण अभी भी मंदिर का काफ़ी प्रोग्रेस में है, काम काफ़ी चल रहा है, तो आने वाले समय में इस मंदिर की आकृति और भी ज़्यादा अलौकिक व मंत्रमुग्ध हो जाएगी। कांगड़ा माई के दर्शन के पश्चात अब हम प्रस्थान करेंगे माँ चामुंडा जी के दर्शन करने के लिए। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम प्रवेश द्वार, इस टाइम हम पहुंच गए हैं चामुंडा देवी जी के मंदिर परिसर के अंदर। और आपको बता दूं कि कांगड़ा पहुंचने तक का जो हमारा सफ़र था बहुत बढ़िया था, बट कांगड़ा से चामुंडा जी आने का सफ़र और भी ज़्यादा बेहतरीन हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में हमें जो व्यू दिखे हैं इतना बढ़िया, मतलब माउंटेंस है अभी भी कि देखो फेब ख़त्म हो गया है फिर भी माउंटेंस पे स्नोफॉल हुआ पड़ा है। और ये है माता रानी जी का मेन मंदिर जिसमें जाके हम दर्शन करेंगे और आपको देंगे सारी जानकारी चामुंडा जी के शक्तिपीठ के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चामुंडा देवी जी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। चामुंडा देवी जी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों की यात्रा में चामुंडा देवी जी का दूसरा दर्शन होता है। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे और धौलाधार श्रृंखलाओं के मध्य में बसा हुआ है। चामुंडा माता आदिशक्ति पार्वती का ही एक रूप है। माता का नाम चामुंडा पढ़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दानवों का राज था, जिसके फल स्वरूप देवताओं व मनुष्यों ने हिमालय में जाकर देवी भगवती की आराधना की, लेकिन स्तुति में किसी भी देवी का नाम नहीं लिया। इसके पश्चात शंकर जी की पत्नी माँ पार्वती वहाँ मानसरोवर पर स्नान करने के लिए आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि वे किसकी आराधना कर रहे हैं, तो देवता मौन हो गए। पार्वती माता ने तब अपने शरीर में से एक कुमारी कन्या प्रकट की शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए। पार्वती जी के शरीर से प्रकट होने के कारण इस देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। देवी कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों ने कहा कि महाराज आप तीनों लोकों के राजा हैं, आपके यहाँ सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं, इंद्र का ऐरावत हाथी भी आपके पास है, इसी कारण आपके पास एक ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो तीनों लोकों में सर्व सुंदर हो।
यह सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत देवी कोशकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहो कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के राजा हैं और वो तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुन दूत माता कोशिकी के पास गया और दोनों दैत्यों द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान और बलशाली है, किंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई तो वह दोनों कोशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए और कहा कि उस नारी का यह दुस्साहस कि उसने हमें युद्ध के लिए ललकारा। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा और कहा कि देवी कोशिकी के केश पकड़कर उसे हमारे पास लेके आओ। चंड और मुंड देवी कोशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी कोशिकी ने अपने आज्ञा चक्र भ्रकुटी ललाट से अपना एक और स्वरूप काली का धारण किया और असुरों का उद्धार करके चंड और मुंड को अपने निज धाम पहुँचा दिया। उन दोनों असुरों को मारने के कारण माता का नाम चामुंडा देवी पड़ गया। मान्यता के अनुसार चामुंडा देवी शक्तिपीठ स्वयंभू शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी सती का कोई भी अंग नहीं गिरा था। यहाँ पर चामुंडा देवी जी के दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। जय माता दी दोस्तों, चामुंडा देवी जी ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए हैं, काफी अच्छा लग रहा है दर्शन करके। और मैं भी 3-4 साल बाद आया हूँ यहाँ पे और यहाँ आके मुझे फिर से बहुत ज्यादा आनंद आया और जो मेरी सारी पुरानी यादें थी वो एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। बहुत ही यहाँ पे एक अलग सा माहौल है, मजा आ रहा है आके। देखिए आपको सही बताऊँ तो इस टाइम हम ऑफ सीजन में आए हैं, बट अगर आप गर्मियों के पीक सीजन में आते हैं, जैसे आपको पता है जून जुलाई में छुट्टियाँ होती है बच्चों को, या आप मानसून के वक्त आते हैं, तो आपको इस पूरी जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है। जितने भी शक्तिपीठ मैंने अभी तक आपको दिखाए, ऑलमोस्ट सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो एक साथ एक बार में ये सारे शक्तिपीठ कवर करते हैं और उसके बाद फिर अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं। और जी ये देख सकते हैं, ये है चामुंडा देवी जी का अद्भुत मंदिर परिसर, जिसके अगर बात करें पहाड़ साथ में जुड़कर 4 चांद और लगा देते हैं इसकी खूबसूरती में। और अगर आप दिसंबर में आए, समझ लीजिए दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में, तो आपको ये सारा जो माउंटेन्स है वो सारी पीक्स आपको एकदम वाइट दिखने वाली है। और आपको बता दें, देवी माँ ने दो राक्षसों का वध किया था जिनका नाम चंड और मुंड था। चंड और मुंड का वध करने के बाद देवी माँ का नाम चामुंडा देवी जी पड़ गया था, फिर माता रानी को चामुंडा देवी जी के नाम से मानव जाना जाने लगा और दूर दूर से श्रद्धालु माता रानी जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। और आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये जो शक्तिपीठ है, इस जगह पर देवी सती का कोई भी अंग नहीं गिरा था, ये स्वयंभू शक्तिपीठ है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। तो हमने भी पंडित जी से इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने यही बताया कि ये स्वयंभू शक्तिपीठ है, यहाँ पे सती देवी का कोई भी अंग नहीं गिरा था जब उनका शरीर 51 भागों में विभाजित किया गया था। और इसी के साथ दोस्तों हमारा होता है हिमाचल ट्रिप कम्प्लीट। आशा करता हूँ आपको हिमाचल की सीरीज में मैंने जितने भी शक्तिपीठ दिखाए हैं आपको उनके बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको पूरी जानकारी मिली होगी उनके बारे में और आप सबने वीडियोस इंजॉय की होंगी। ट्रिप तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब आप सबके लिए हमारा ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ से आगे हम धर्मशाला के लिए निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे और इवनिंग में फिर हम वापस हो जाएंगे अपने घर की तरफ। आशा करता हूँ आपने हिमाचल के शक्तिपीठ वाली सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय की होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी चामुंडा देवी जी की जय, और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, ट्रैवल मोर, जय माता दी, बाय बाय।